नमस्कार और आदाब। आज सनीचर जुलाई के 16 तारीख पेश है आपके लिए 7 दिन के खबरें। अकादेमिस सिगन हाउस पारामारिबो का नियो नाताले सड़क पर इस वक्त कोदा स्वार्थ है। कोदा स्वार्थ इसका मतलब यह है कि वहां पर लोग अब काम नहीं कर सकते हैं। बच्चे जिन लोगों को वहां पर इलाज होता है, बच्चों को वहां भर्ती किया जाता है, बच्चों को मदद नहीं मिल सकता है। और यही कारण भी है कि पिछले हफ्तों में दो बच्चों का देहांत यहां पर हो गया है। इस बारे में किंदर आर्टसन जो है अपने आवाज़ उठाए है, एक खत लिखा गया है, एक खत भेजा गया है मिनिस्टर रामाधीन फलक्सोसोंथेट का मिनिस्टर को। मिनिस्टर से बातचीत हुआ है, मिनिस्टर डिरेक्सी अकादेमी सिकन हाउस परामारिबो और किंदर आर्टसन के साथ बातचीत किए हैं। एक ही दम बातचीत हुआ है और ये कहा गया है कि जितना जल्द हो सके लोग इस मामला को हल करना चाहते हैं, इसमें कुछ सुधार लाना चाहते हैं। समस्या काफ़ी गंभीर है, ये ज़रूर बात है जो मिनिस्टर ने बताई है। यहाँ पर सबसे बड़ा मुश्किलात ये है कि विशेषज्ञ पर्सोनेल जो है, यहाँ का जो लोग काम करते थे, तजुर्बेकार लोग जो है नौकरी को छोड़कर, देश को छोड़कर बाहर देश चला गया है। और इंटर्न अप्लाइंग का शुरुआत करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। जितना जल्द हो सके लोगों को तैयार करना चाहिए इस अफदेलिंग पर काम करने के वास्ते। आगे में मिनिस्टर ने कहा है कि इस वक्त कोफा में लोग अप्लाइंग से शुरुआत किए हैं, लेकिन अभी तो लोग शुरुआत किए हैं तो इन लोगों को काम पर वहाँ नहीं रखा जा सकता है। फरप्लीख कुंदखन जो है, जो NECU यानी नियो नाताल सर्ख इस अफदेलिंग पर काम करेगा, इन लोगों को बाहर देश से लाना ये हो सकता है एक चारा है। और इस पर लोग इस वक्त बातचीत इस बारे में कर रहा है कि बाहर देश से पर्सोनेल को लाया जाए यहाँ पर काम करने के वास्ते। 1 अगस्त 2022 आने वाले अगस्त की पहली तारीख से बहुत से ऐसे क्वालिफिसेड पर्सोनेल जो है यहाँ पर जो चला गया है, तो ये कहा गया है कि यह अफदेलिंग बंद किया जाएगा 1 अगस्त 2022 से। इस वक्त बातचीत जारी हो रहा है, मिनिस्टर बातचीत कर रहे हैं। और हम आपको बता दें कि केंद्र आर्टसन अपने खत में यह लिखे हैं कि बहुत ज़रूरी है सलारस आन पासिंग फरप्लेहन पर्सोनेल का, अगर लोग चाहते हैं कि जो तजुर्बेकार पर्सोनेल है यह नौकरी छोड़कर नहीं जाए। और बौतलान से कुछ क्वालिफिसेड पर्सोनेल जो है ये नियो नाताल इंटेंसिव केयर यूनिट के वास्ते सुरीनाम देश में लाना बहुत ज़रूरी है। केंद्र आर्टसन अकादेमी सिकन हाउस परामारिबो का ये सब बातचीत कर रहे हैं। और इन लोगों का ये कहना है कि ये सब कोई तीसरा शख्स से बात नहीं करना चाहते हैं, कोई तीसरा पार्टी से बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि समस्या काफ़ी गंभीर है। सिर्फ मिनिस्ट्री से या सरकार से या डिरेक्सी अकादेमी सिकन हाउस परामारिबो के साथ लोग बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि ये मुश्किल जो है होस्त नीफो पर इस पर गौर किया जाए। इस वक्त समय नहीं है इसे बेफसूल में ये समय जाने के लिए, मतलब लोग समय का बहुत इज्जत करना चाहिए क्योंकि समय नहीं है। ये समय जो है लोगों को ठीक तौर पर इस्तेमाल करना है ये मुश्किलात का हल ढूंढने के वास्ते। हम आपको बता दें कि इस वक्त डिरेक्सी अकादेमी सिकन हाउस परामारिबो का केंद्र आर्टसन जो है इन लोगों से बातचीत हो गया है। और इस वक्त ये देखा जा रहा है कि ये नियो नाताल इंटेंसिव केयर यूनिट पर कुबा का कुछ लोग फरप्लीहकुंदखन को यहाँ पर लाना चाहते हैं इस अफदेलिंग पर काम करने को, ताकि इस वक्त के लिए इस मामले में हल आए। जो ओपनहाइमर बॉन्ड होल्डर्स है इन लोगों के साथ इस हफ्ता में बातचीत हुआ है। सुरीनाम देश में एक दिलखात से इस हफ्ता में मौजूद था बातचीत करने के वास्ते। सुरीनाम देश का ऑनदरहोंडलिंग्स टीम जो है ये मिनिस्टर आर्मंड अचाइबर सिंह फिनंशियल एंड प्लानिंग के मिनिस्टर के निर्देशन में था। हम आपको बता दें कि ये जो बातचीत है आने वाले दिनों में जारी होगा। और ये भी बताने के सही है आपको बताने को कि इंक्लूसिव अख्तर सालख रेंट टोटल स्कोल्ड इस वक्त है सरका 800 मिलियन US डॉलर। लोग रेंट कोर्टिंग के बारे में बातचीत करना चाहते हैं और लोग टेट को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए बॉन्ड होल्डर्स के साथ बातचीत जारी किया जाएगा।
एक खास बात जो इस हफ्ता बाहर आई है कि सेंट्रल बांफन सुरीनाम के पास लोग नकली रसूस इन दिन किए हैं और इसके साथ लोगों को पैसा भरा गया है या पैसा ओवरमार्क किया गया है। ये थोड़ा छोटा रकम के बात नहीं है, लगभग फिर तक मिलियन एसएफडी के बात हो रहा है। ये पता चला है कि कुछ लोग जो फॉल्स रसूस पेश किए हैं सेंट्रल बांफन सुरीनाम को, और ये रसू के आधार पर इन लोगों को जो रकम इस पर लिखा गया था, इन लोगों के रेकनिंग पर ओवरमार्क हुआ है। इस वक्त हम आपको बता दें, इसमें नाम लिया गया है रॉबर्ट कुंज बिहारी का, और इनका रेकनिंग जो है, इनके रेकनिंग पर पैसा जो ओवरमार्क हुआ था फिर तक पर नई मिलियन एसडे, ये रेकनिंग जो है इस पर बसलाख लहिंग है। और पुलिस जो है, यूस्टिसी जो है, इस आदमी रॉबर्ट कुंज बिहारी के तलाश में है। इसका एक ऑफिशियल ऑब्सपोरिंग्स जो बरेख थे बाहर आई है पुलिस के जरिए। आगे में हम आपको बताना चाहते हैं कि कुंभ इमारत के रेकनिंग जो फिनाबांग पर है, इस पर भी एक बसलाख लहिंग है, क्योंकि पता चला है कुंज बिहारी फिर तीन मिलियन ये कुंभ इमारत के रेकनिंग पर ओवरमार्क किए हैं। और इसके अलावा और भी कुछ लोगों और अंदर नेमर्स के रेकनिंग पर पैसा ओवरमार्क हुआ है। सनीचर अप्रैल के 25 तारीख फिर 3 मिलियन का एक रसू फिर से पेश हुआ है, और 16 यूनी को एक रसू 27.9 मिलियन का ये पेश किया गया है। फॉल्स रसूस था पैसा ओवरमार्क करने के वास्ते। ये मुमकिन है कि असली गुनहगारों तक पहुंचना, ये इन लोगों के, ये सब जिनके रेकनिंग पर ओवरमार्क किया गया है, ये कुंज बिहारी जो है सिर्फ एक कड़ी था इसमें, इसके ज़रिए पैसा ओवरमार्क हुआ है, लेकिन असली गुनहगार कौन है, पुलिस यूस्टिसी जो है इन लोगों के तलाश कर रही है। ये हम आपको बता दें कि इसमें लोग कहा है कि अनेक कानून का उल्लंघन किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग के बाद किया जा रहा है। एक हिस्सा पैसा जो है इसको इस्तेमाल किया गया है एक काला और एक सफ़ेद रंग का मर्सिडीज बेंज खरीदने को, जिसका टोटल बदरा है लगभग 8.4 मिलियन एसआरडी। ये जो दोनों गाड़ी के बात हम करते हैं, ये दोनों गाड़ी ये कब्जे में लिया गया है सर्खियो से, जो इस मामले में भी गिरफ्तार हुआ था। अपने बयान में बताई है कि ये दोनों गाड़ी अपने दोस्त के वास्ते खरीदे हैं जिनको रेबवेस नहीं था। सर्खियो से का बयान लिया गया है, और बयान लेने के बाद इनको फिर वापस घर भेज दिया गया है, क्योंकि इनके रेकनिंग पर कोई पैसा का ओवर मार्किंग नहीं हुआ है। और ये गाड़ी जो है ये ऑटो हैंडल के नाम पर था, लेकिन फर्शेकरिंग सिर्फ सर्खियो से के नाम पर था। ये गाड़ी दोनों वो वापस कर दिए हैं, और हम आपको ये बता दें कि ये फॉल्स जो रसूस था, ये नकली रसूस था, लोग एक बार फिर 27 तारीख से 29 यूनी को कोशिश किए हैं पैसा लोग इन दिन किए हैं ताकि पैसा भरा जाए सेंट्रल बैंक के जरिए 20 मिलियन एसएफडी का, लेकिन जब ये पता चला है तो ये तुरंत रोक दिया गया है। डायरेक्सी जो है, डायरेक्सी लेडर मिनिस्ट्री फॉर फिनेंशियल एंड प्लानिंग का ये सब प्रोक्रासी होदर से इस रेकनिंग का, और जब ये सब इजाज़त नहीं दिए है ओवर मार्किंग के वास्ते, तो इस पर खोजबीन हो रहा है कि यह ओवर मार्किंग क्यों और कैसे हुआ है। ये जो ये बात बाहर आई है, हम आपको बता दें कि बीते हुए पंचघर के फरखादरिंग में मेल्विन बोफा जो है इस बात के बारे में बातचीत किए है। उसी दिन फिनांसियन का डायरेक्टर जो है धर्मराज परोही जो है, ये एक पेश बरेह में ये खबर बाहर लाए है, और ये बताई है कि यह मामला कई दिनों से खोजबीन इस मामले में हो रहा है, लेकिन लोग ये खबर बाहर नहीं लाए थे। अब इस मामले में खोजबीन हो रहा है। हम आपको बता दें कि प्रेसिडेंट संतोखी ने कहा है ओपन बार मिनिस्टेरी के पास ये मामला है खोजबीन करने के वास्ते, तो सरा समय थोड़ा मुहूर्त का मांग किए है जब तक ये अंदरशुक नहीं हो जाए। इस मामले में एक नेहरन फेर तहियार का मौसा इसाक रोतर का भी तलाश पुलिस कर रहे है, और सुख को भी इनका एक ऑफस्पोरिंग प्रोफाइल बाहर गया है। पिछले कई दिनों से एसएलएम का समस्या के बारे में बातचीत हो रहा है। आपको पता है कि एसएलएम जो है अपना सभी उड़ान, ये है परामारिबो अम्स्टरडम फीसा फेरसा और परामारिबो मायमी फीसा फेरसा रोक दिया है, रोका गया है, उड़ान नहीं हो रहा है।
और इसी वजह से बहुत से ऐसे यात्रियों तकलीफ में आए हैं। खसरान द पासाशीर्स जो है अनेक देशों में इस वक्त बातचीत हो रहा है। सरकार SLM बातचीत कर रहा है और कोई हल ढूंढ रहा है इस मामले में, कैसे इन लोगों को वापस अपना मंजिल तक पहुंचाया जाए। सरकार का इसमें काफ़ी सरकार इस पर गौर करता है, ये मिनिस्टर तेसेते का अल्बर्ट युबिताना ने बताई है। ये बहुत ही अहम समस्या है सरकार के वास्ते। जितना जल्द हो सके सभी यात्रियों जो है, खस्तान द पासाशीर जो है, इन लोगों को अपने मंजिल तक पहुंचाने के वास्ते। क्रिसिस टीम जो है रखेरिंग्स फरबांत में SLM के साथ बातचीत हो रहा है। एक रेपात्रियरिंग्स प्लान के सिलसिले में बातचीत हो रहा है और इस वक्त ये भी देखा जाता है कि इसमें कितना खर्चा होगा, क्योंकि पैसा का भी इंतज़ाम करना है। क्रिसिस टीम जो है जोरती कर रहा है ये सरकार के वास्ते, ये युबिताना मिनिस्टर तेसेते का बताए है। जितना जल्द हो सके लोग इस समस्या में हल लाना चाहते हैं। अपना जिम्मेवारी जो है ये सरकार समझते हैं और जो लोग तकलीफ़ में है जितना जल्द हो सके इन लोगों की तकलीफ लोग दूर करना चाहते हैं। हम आपको ये बता दें कि ये भी खबर अब बाहर आ चुका है कि SLM जो है अपना फ्लाइट्स जारी करेगा रूटा पारामारिबो आम्स्टरडम फीसा फेरसा, और ये एक स्कीमा के ज़रिए होगा। आने वाले जुलाई के 20 तारीख 20 जुली से हफ्ते में 3 बार उड़ान होगा। ये रहेगा बुध शुक्र और एतवार को उड़ान होगा। 400 किलो द्रोहसात, आपको पता है कि कुछ दिन पहले पिछले साल सितंबर महीना में जो 400 किलोग्राम द्रोहस मिला था स्मारक स्त्रात के एक मकान के खराश में, यहाँ पर एक बिस्तलबस था और इस बिस्तलबस में ये 400 किलोग्राम कोकाइन मिला था। इस मामले में हम आपको बता दें कि कंटन रेख्तर मौरिन दयाला जो है बुध को दो फरदाख्तन जो थे जिन लोगों पर इल्ज़ाम है, अभी तक साबित नहीं हुआ है कि ये सब गुनहगार है, संताना ती और जीन का, इन लोगों के वकील के गुजारिश पर इन लोगों को रिहा किया गया है। जो होफ फरदाख्तन इसमें थे औद कमिसारस फन पुलिसी रूबेन पी और इंस्पेक्टर फन पुलिसी डेनिस ए, ये सब अभी तक कैद में रहेगा और खोजबीन जारी हो रहा है। ये जो बस्तल बस जिसमें ये द्रोख्स मिला है, ये पता चला है कि ये दो लोग जो इसमें गिरफ्तार है जिस पर इल्ज़ाम है, इसमें से एक मुंगो से चलाकर होखरास्त्रा के रोतोंद तक लेकर आए है। दोनों अभी तक कैद में रहेगा। ये जो इंस्पेक्टर फन पुलिसी है और ये पुलिसी इंस्पेक्टर और कमिसारस फन पुलिसी दोनों कैद में रहेगा और ये अगले सेटिंग तक ये फिर इसमें फैसला लिया जाएगा कि इन लोगों को रिहा किया जाएगा या अगर इन लोगों का गुनाह साबित होगा तो ये सब जेल में जाएगा। दुनिया भर में मशहूर श्री श्री रवि शंकर, एक स्पिरिचुअल लीडर और फ्रीडम एम्बेसडर, ये इस हफ्ता सुरीनाम देश में तशरीफ लाए हैं। प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी के दावत इनके निमंत्रण पर वो सुरीनाम देश आए हैं। ये ग्रोंडलेगर है आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन का और प्रेसिडेंट इनको इज्जत अफजाई है, सम्मान दिए है। इनको रेडर किया गया है ग्रोथ ऑफिसर इन द एयर ऑर्डर फन द खेलस्तर। ये प्रेसिडेंशियल पैलेस पर हुआ है। हम आपको बता दें कि प्रेसिडेंट ने कहे है ये बहुत खुश है कि ऐसा शख्स जो है, ऐसा महान शख्स सुरीनाम देश में तशरीफ लाए है। ये बहुत खुशी और गर्व के बात है प्रेसिडेंट के वास्ते, इनको सम्मानित करने के वास्ते। पिछले 41 साल से 41 से आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन सुरीनाम देश में न सिर्फ लेकिन 155 देशों में काम कर रहा है, इसमें से सुरीनाम देश एक है। ये फ्रीडम एम्बेसडर जो है इससे पहले सुरीनाम देश में भी तशरीफ लाए थे 1998 और 2001 में। ये जो दोनों लीडर है, मतलब ये फ्रीडम एम्बेसडर जो है श्री श्री रविशंकर और सुरीनाम देश का प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये सब प्रेसिडेंशियल पैलेस पर फ्रीडम फकल जलाए हैं। CBB में ये पता चला है कि कुछ पासपोर्टन गुम है।
कुछ पासपोर्टन, और ये पासपोर्टन कहा जाता है मिस प्रिंस थे, लगभग 100 पासपोर्टन ये गुम है, नहीं पता है कहाँ पर है। सीईबीबी का डायरेक्टर मिनिस्टर सोमोहार जो बेनलान से जागन के मिनिस्टर से कहा है इस बारे में पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने को, तो ऐसे किया गया है, इस वक्त छानबीन हो रहा है। मिनिस्टर सोमोहार जो कहे है कि उम्मीद वो करते हैं जितना जल्द हो सके इस मामला में हल आए और ये पता चले कि यह पासपोर्टन कहाँ पर है। अभी तक कोई नॉन एक्टिव पर नहीं रखा गया है क्योंकि लोग बेवजह के किसी का नाम बदनाम नहीं करना चाहते हैं, तो लोग इस वक्त ऑन द स्पॉट के इंतज़ार में हैं। जब यह ऑन द स्पॉट हो जाएगा और पता चलेगा कि गुनहगार कौन है, तब देखा जाएगा कोई नॉन एक्टिव पर जाएगा या नौकरी से निकाला जाएगा। यह आखिरी खबर है आज 7 दिन में। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।